अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रिचा अवेस फ्रॉम जस्टी बाइट्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट मोका फ्रॉस्टिंग। ये फ्रॉस्टिंग मैंने टोटल लास्ट टाइम जो 6 कपकेक्स बनाए थे उनके लिए मैं यूज़ करूंगी। ये फ्रॉस्टिंग भी टोटल 6 कपकेक्स को डेकोरेट करेगी। इट इज़ सो ईजी और ये बहुत ही स्मूथ और बहुत सिल्की और मज़ेदार फ्रॉस्टिंग बनती है। सबसे पहले आपने एक बड़ा बोल लेना है, उसके अंदर आपने सिफ्ट करना है आइसिंग शुगर को। आइसिंग शुगर आपने लेनी है 1.5 कप, साथ आप लेंगे 1/3 कप ऑफ कोको पाउडर और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। कोको पाउडर 1/3 कप 5 टेबलस्पून के इक्वल होगा। फिर आपने लेना है 1/4 कप मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर के अंदर आपने ऐड करना है 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल कर दूंगी आपको। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जो अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको भी आपने अच्छे तरीके से स्पैचुला के साथ मिक्स करना है। उसमें आप ऐड करेंगे 1/8 कप ऑफ मेल्टेड चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट को लेके आपने माइक्रोवेव के अंदर उसको मेल्ट कर लेना है। फिर आप ऐड करेंगे अपना बटर और कॉफ़ी मिक्सचर। इसको पहले आप किसी स्पैचुला के साथ या चम्मच के साथ मिक्स कर लें ताकि जब आप बीटर अपना चलाएं तो आपकी आइसिंग शुगर आपके पूरे काउंटर के ऊपर ना फैल जाए। इसको आप बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं और अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है तो इसको आप बाय हैंड भी मिक्स कर सकते हैं। हमने इसका टेक्सचर देखना है, फिर उस हिसाब से आपने इसके अंदर मिल्क ऐड करना है। अगर आपका टेक्सचर रनी नहीं है तो आपने इसके अंदर मिल्क ऐड करना है। मिल्क आपने टोटल 1/8 कप लेना है, लेकिन आपने इसको इकट्ठा ऐड नहीं कर लेना, आपने देख लेना है पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके कि और मिल्क की ज़रूरत है इसके अंदर या नहीं। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। ये टोटल 1/8 कप था, आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको सेट करना है मिल्क को। अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स करना है, बीट करना है। एक दफ़ा बीट करने के बाद आप स्पैचुला यूज़ करें ताकि अगर नीचे आपके कोई इंग्रेडिएंट्स या आपकी आइसिंग शुगर नीचे बैठी हुई है तो वो भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए, आपको इसका टेक्सचर इस तरह का आपका होना चाहिए ताकि आप इसको पाइपिंग बैग के अंदर डाल के आप इसको अच्छे तरीके से इसकी पाइपिंग कर सकें। मैंने एक नोज़ल लिया, आप कोई से भी नोज़ल ले सकते हैं, और मैंने उसको अपने पाइपिंग बैग के अंदर रख लिया। साथ में जो कपकेक्स बनाए थे मैंने उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप उसको ज़रूर ट्राई करें। वो भी टोटल 6 कपकेक्स की रेसिपी है और ये रेसिपी हमारी टोटल 6 कपकेक्स को डेकोरेट करने के लिए। इस तरीके से ग्लास में अगर आप जब अपना पाइपिंग बैग फिट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उसकी फ्रॉस्टिंग करना। आपने अपनी फ्रॉस्टिंग जो है पाइपिंग बैग में डालनी है और आपने अपने कपकेक्स को उससे डेकोरेट करना। बहुत ही चॉकलेटी और बहुत मज़ेदार ये फ्रॉस्टिंग है, और एज यू कैन सी ये बहुत ही सिंपल फ्रॉस्टिंग है। यू शुड ट्राई इट। कपकेक्स को आपने इस तरीके से फ्रॉस्ट कर लेना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई सा भी नोज़ल इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फिर डेकोरेट कर सकते हैं या चेरीज के साथ। मैंने इसके ऊपर गोल्डन और सिल्वर स्प्रिंकल्स यूज़ किए हैं। बहुत मॉइस्ट कपकेक्स की रेसिपी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूँगी आपको। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।